सिवनी मालवा नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में तहसील कार्यालय के सामने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार ललित सोनी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सीधी जिले के कुबरी बाजार में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक दसमत रावत उम्र लगभग 30 वर्ष पर प्रवेश शुक्ला जो कि बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं उनके द्वारा नशे की हालत में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दी गई। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। आदिवासियों के साथ इस तरह का कुकृत्य कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने बताया कि सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ हुई इस घटना से प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों का मन अत्यंत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता के पेशाब करने का वीडियो देखकर रूह कांप जाती है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टंटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उक्त बीजेपी नेता पर उचित कार्रवाई कर मध्य प्रदेश में उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे कि भविष्य में किसी के भी द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम न दिया जा सके। यदि जल्द उक्त आरोपी पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन सहित प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आदिवासियों का अपमान शिवराज सिंह इस्तीफा दो। शिवराज सिंह इस्तीफा दो। आवाज आने की शिवराज सिंह इस्तीफा दो। शिवराज सिंह इस्तीफा दो। अरे शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बड़ी ही दुखद घटना है कि एक विधायक प्रतिनिधि, एक जिम्मेदार विधायक, उसका प्रतिनिधि अगर विधायक जनता के लिए चुना जाता है और ऐसे जनप्रतिनिधि अगर जनता की ऊपर अगर ये अमानवीय कृत्य करने लगे, मेरे को तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि उसने एक इतना सर्वनाश कृत्य किया है कि एक आदिवासी युवक के ऊपर उसने पेशाब की है। इस आधार पर शिवराज जी को आज ही अपने विधायक से इस्तीफा मांगना था, आज ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक से इस्तीफा लेना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बार कथनी और करनी में फिर से अंतर दिखा है। ये लोग आदिवासियों की बात करते हैं, ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं, उसके बाद भी अगर ये कृत हो रहा है तो कहीं ना कहीं लाइन आर्डर की बहुत बड़ी कमी है मध्य प्रदेश के अंदर। 20 साल से अगर ये लाइन आर्डर नहीं सुधार पाए तो नैतिकता के आधार पर शिवराज सिंह को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्यों सरेआम ऐसा कृत्य करके वीडियो डाल रहे हैं? मैं तो कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि अगर थोड़ी बहुत चुल्लू भर पानी में भी शर्म हो अगर शिवराज सिंह चौहान को, तो वो कम से कम अपना इस्तीफा दें और विधायक का इस्तीफा दें। किस तरह प्रदर्शन किया गया है?
पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में के सीधी जिले में जो अमानवीय कृत्य हुआ है, एक आदिवासी युवक के ऊपर विधायक प्रतिनिधि के द्वारा पेशाब करना, ये दर्शाता है, इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और मध्य प्रदेश में हर जगह ये हालात हैं, कहीं ना कहीं गरीबों को दबाया जा रहा है, आदिवासियों को दबाया जा रहा है, शोषित पीड़ित वर्ग को दबाया जा रहा है इस तरह की ये चलो चलो की बेदा की सरकार अत्याचार करके जाना चाहती है। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि उस विधायक का भी इस्तीफा लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बगैर उसके तो ये बिल्डोजर की बात करते हैं, घरों को धराशाही की बात करते हैं अपराधियों का, तो फिर इस अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई है? ज्ञापन के माध्यम से सर, हमने कल वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखे हैं, तो हमारे एक आदिवासी न्यूज में भी देखे, तो हमारे आदिवासियों तो भारत के हर राज्य में, मध्य प्रदेश नहीं अन्य राज्य में भी हमारा तो खून खोल उठ गया सर। अब वो क्या बता, हम तो जिंदे कैसे हैं, हमारा तो ऐसी इच्छा हो रही है कि सीधे अभी सीधे जिले पहुंचे पूरे भारत के हर कोने कोने से आदिवासी। और वो मुख्य आरोपी की हमारी मांग है साहब, फांसी की सजा होना चाहिए, हमारे आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। और आज तो मैंने चूनी ब्लॉक से जैस के माध्यम से ज्ञापन दिया हूँ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय की बात हो गई है, कल पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक हर तहसील में जैस के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारे साथ, हमारे भाई के साथ न्याय नहीं होता है अच्छे से, तो हम हर जिले में महा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई? ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता ने जो एक आदिवासी के ऊपर सामूहिक एक वीडियो बना रहा है, एक बाथरूम कर रहा है, ये कोई ठीक कृत्य नहीं है। हम मांग करते हैं कि कानून के हिसाब से जो भी सजा हो उसको सजा दिलवाई जाए और उस पर शिवराज जी को संज्ञान लेना चाहिए कि आदिवासियों के साथ ऐसा होता ही रहेगा क्या? आदिवासी चुप थोड़ी रहेंगे, जाग गए हैं सब। आज सामूहिक संगठनों ने आज ज्ञापन दिया है SDM साहब को, और SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग को आगे तक पहुंचाएंगे। ठीक, धन्यवाद।